हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सहनाज। वेलकम बैक टू सहनाज स्टिचिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सा एक ड्रेस डिज़ाइन लेकर आई हूं। तो चलिए बताते हैं क्या बनाने वाली हूं मैं। तो मैं बनाने वाली हूं लहंगा चोली विथ जैकेट और बहुत ही प्यारा सा एक दुपट्टा, बहुत ही अच्छा लुक देने वाली हूँ ड्रेस को। तो मैं यहाँ पर 1 मीटर वॉलवेट का कपड़ा ली हूँ ब्लाउज़ बनाने का, और 7 मीटर नेट ली हूँ जिसमें मेरा लहंगा जैकेट और दुपट्टा बनेगा। और यहाँ पे मैं 1 मीटर ब्लाउज़ का अस्तर ले ली हूँ, और यहाँ पे 2.5 मीटर मेरा लहंगा में लगने का घेरा है नीचे का अस्तर, जो मेरे नेट से मैच नहीं था तो ये ब्लाउज से मैच है, तो अंदर से लगने के बाद बिल्कुल ही मैच हो जाएगा। तो और एक चैन ले ली हूँ जो मैं ब्लाउज़ के साइड में लगाऊँगी, साइड चेन रहेगा ब्लाउज चोली जो भी बोलिए उसमें। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अस्तर को 4 फोल्ड में रखूँगी, ये ब्लाउज़ का अस्तर है, और इस पर अपना मेज़रमेंट ड्रॉ करके पहले अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर 14 है जिसका मैं 7.5 ली हूँ, आर्म होल भी यहाँ पे 7 ली हूँ, और स्केल से इस तरह सीधा मिला देंगे। चेस्ट यहाँ पे 40 है जिसका चौथाई भाग यहाँ पे 10 लूँगी मैं, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाइए। और यहाँ पे मैं लहंगा की चोली की लंबाई 15 रखी हूँ, और 2 इंच नीचे से मार्जिंग रहेगा जो तुरपाई में चला जाएगा, स्केल से इस तरह सीधा कर देंगे। कमर के पास की चौड़ाई 22 है जिसका मैं चौथाई भाग यहाँ पे 8 ली हूँ, और ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को इस तरह मिला देंगे। और यहाँ पे मैं 1.5 से 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ, आर्म होल में गुलाई दे दूँगी इस तरह। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4 रखी हूँ, 4 पे निशान दूंगी, और कंधे पे 1/2 इंच या 1.25 इंच इस तरह से गहराई दूंगी थोड़ा नीचे की तरफ, और इसी मेज़रमेंट पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, अब दोनों पार्ट को मैं अलग कर लेती हूँ। बैक पार्ट को मैं यहाँ पे साइड में रख रही हूँ, और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में थोड़ी सी गहराई देंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जो मैंने कटिंग की हूँ उसको अपने मेन कपड़े के ऊपर रखकर उसकी कटिंग कर ली हूँ उसी के अकॉर्डिंग। नीचे से जो ये प्लेन आ गया है ये तुरपाई में चला जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा, इसलिए मैं प्लेन काटी हूँ तुरपाई में जाने के लिए, और बैक पार्ट भी काट ली। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का एक छोटा सा बाजू लगाने वाली हूँ अपनी ब्लाउज़ में, आप इसे स्लीवलेस बना सकते हैं। इसके ऊपर जैकेट रहेगा तो उसका फुल स्लीव रहेगा ही, फिर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 इंच का एक बाजू ले ली हूँ, और निशान से बिल्कुल 3 इंच नीचे एक निशान दी हूँ, और इस पे मैं अपने बाजू का शेप ड्रॉ करूँगी 2.5 इंच के बाद से, 2.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे बाजू की गहराई अपने हिसाब से रखिए जितनी आपकी यहाँ पर मोटाई है बाजू की, और इस तरह निशान से निशान को मिला देंगे, और इसी पे इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे फ्रंट साइड लगेगा, यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स टॉप की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसके जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट की लंबाई यहाँ पे मैं 36 रख रही हूँ, इसमें 6 इंच प्लस होगा तो ये 42 हो जाएगा। 6 इंच नीचे से फ्रिल लगने वाला है जैकेट में, तो यहाँ पे मैं अभी 36 इंच लंबी एक जॉकेट की कटिंग करेंगे, जिसको मैं 4 फोल्ड में अभी यहाँ पे रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स जिस तरह टॉप का मेज़रमेंट लिए थे उसी तरह यहाँ भी लेंगे, तो शोल्डर 7, आर्म होल भी 7 रहेगा, सेम ही रहेगा। टॉप का चेस्ट 40 था जिसका चौथाई भाग 10 ली थी, यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि जॉकेट टाइट नहीं रखना है, थोड़ा लूज ही रखना है, ढीला ढीला रहेगा और बीच से कट भी रहेगा तो कट में भी थोड़ा फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगा दी हूँ, बस थोड़ा लूज रखी हूँ, 2 इंच से 1.5 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह निशान से निशान को मिला देंगे और 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और इस तरह निशान से इंची टेप को तिरछा रखते हुए एक निशान दे देंगे, मार्जिन और फिटिंग का दोनों ही निशान में दे दी हूँ। और नीचे से इस तरह थोड़ा राउंड शेप दे देंगे गुलाई में, आर्म होल की भी गुलाई दे देंगे यहाँ पे, और इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैकेट की कटिंग हो चुकी है, अब दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 4 ली हूँ, जितना टॉप में रखी थी, आप थोड़ा कम कर सकते हैं, नहीं तो बराबर भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बराबर या फिर कम कर सकते हैं। शोल्डर को 1/2 इंच नीचे की तरफ कट कर देंगे और वहाँ पे कट लगा देंगे गले के निशान का। तो दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे अलग कर ली हूँ और फ्रंट पार्ट के आर्म होल में थोड़ी सी 1/4 इंच की गहराई देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे एक कट दे देंगे जिससे याद रहेगा ये फ्रंट पार्ट है, दोनों सेम ही है तो पता नहीं चलेगा बाद में। तो ये दोनों पार्ट कट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब जैकेट की स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में स्लीव को रख ली हूँ, इस तरह से 4 फोल्ड है और यहाँ पर स्लीव की लंबाई 20 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। जिस तरह से मैं टॉप की बाजू की कटिंग की थी उसी तरह इसमें भी कर लेंगे, नीचे से 1/2 इंच कट कर देंगे, जो भी आरा टेढ़ा रहता है वो बराबर हो जाएगा। निशान से 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे और स्केल से सीधा कर देंगे, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ते हुए बाजू का शेप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसको बाजू के शेप में तिरछा नहीं कट करना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है, जिस तरह मैं स्केल से निशान दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाजू के मोरी में इलास्टिक लगाने वाली हूँ, जो चुन्नट सा बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखी हूँ। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। जो फ्रंट साइड लगेगा उधर थोड़ी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से चुन्नट इलास्टिक लगने के बाद इस तरह से बाजू बनने वाला है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनने वाला है। प्लीज़ आप पूरा देखिए वीडियो को।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैकेट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे लहंगा के अस्तर का घेरा कटिंग कर रही हूँ। तो टू फोल्ड में रखने के बाद इस तरह तिरछा करके मैं रख दी हूँ कोने से कोने मिलाकर। तो ये चार फोल्ड हो गया तिरछा में। अब मैं कमर का यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ। तो कमर यहाँ पे मैं 38 है, तो 38 का चौथाई भाग 9.5 के करीब होगा। तो यहाँ पे मैं 10 ले लेती हूँ, थोड़ा मार्जिन रहेगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही रहेगा। लहंगा की लंबाई में 40 रखी हूँ और लहंगा के अस्तर की लंबाई 38 रखी हूँ, 2 इंच छोटा रखी हूँ लहंगा की लंबाई से। तो मैं यहाँ पे 36 पे निशान लगा रही हूँ, 2 इंच का ऊपर से पट्टी लगेगा तो ये 38 हो जाएगा। नीचे मैं पीको करने वाली हूँ, नीचे मार्जिन नहीं ली हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए इसी निशान पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक पार्ट में यहाँ पे घेरा में थोड़ा कपड़ा लगेगा, तो जितना लगेगा मैं बचा हुआ कपड़ा में से कट करके निकाल लेती हूँ और यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह रखकर एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट करके मैं निकाल दूँगी। इस तरह निशान लगा लेंगे फिंगर की हेल्प से। और एक्स्ट्रा कपड़ा का कटिंग कर देंगे और वो पार्ट वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से घेरा की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ऊपर का लहंगा का कटिंग करूँगी, नेट कटिंग करूँगी मैं ऊपर का। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 3 मीटर नेट को 4 फोल्ड में रख दी हूँ। लहंगा की लंबाई में 40 रखी हूँ, तो यहाँ पे मैं 38 पे कटिंग कर लूँगी, 38.5, आधा इंच ज़्यादा लूँगी। नीचे से पीको और थोड़ा सा ऊपर सिलाई में जाएगा तो 1/2 इंच में ज़्यादा रखी हूँ। 2 इंच का ऊपर से पट्टी लगेगा तो ये 40 इंच का लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। साइड से जो कपड़ा निकला है वो 6 इंच है, तो 6 इंच ही मुझे चाहिए था। जैकेट के नीचे 6 इंच का मैं फ्रिल लगाने वाली हूँ। तो ये 6 इंच जो नीचे से बच रहा है उसे मैं जैकेट में फ्रिल में यूज़ कर लूँगी और इधर जो कपड़ा है वो लहंगा में जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं कट करके निकाल लेती हूँ। अब जितना भी नीचे से कपड़ा बचा है उसको मैं पूरा ले लूँगी, क्योंकि पूरा ही लग जाएगा, फ्रिल बनाने में ज़्यादा लगता है तो पूरा ले लूँ। तो पूरा 6 इंच का बचा हुआ कपड़ा को मैं 5-6 फोल्ड करके रख दी हूँ और उसकी कटिंग कर लूँगी। साइड से जो कपड़ा बचा है वो मेरा 1.5 मीटर के लगभग बचा है, तो उसमें मैं दुपट्टा बनाऊँगी, फ्रिल वाला ही दुपट्टा बनेगा। तो चलिए देखते हैं, दुपट्टा बनाकर आपको हम बता देंगे। नीचे का कॉर्नर में कट करके हटा रही हूँ, ये टाइट होता है, करक होता है, तो ये हटा देंगे। और बाकी का बचा हुआ जो भी मेरा है 6.5 इंच के करीब, उसे कट करके अपने जैकेट में फ्रिल लगाने के लिए रख लूँगी मैं। और बाकी बचा हुआ जो है मेरा नेट, उसमें मैं बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा बनाऊँगी। तो चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग की वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो स्टिचिंग की वीडियो हम अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि सिलाई का वीडियो भी तो आपको देखना है, फाइनल लुक भी तो देखना है। बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनाई हूँ बहुत ही मेहनत से, तो प्लीज़ देखिएगा। ये बचा हुआ नेट है, इसमें मैं बहुत ही अच्छा दुपट्टा बनाने वाली हूँ। चौड़ाई कम कर दूँगी और दोनों साइड से नीचे से फ्रिल लगाऊंगी, तो बहुत ही अच्छा दुपट्टा बनेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।